सो गाइस, हमारे इधर आज फारे उठाने आ रहे हैं। ये देखो हमारा हिमांशु भाई भारे लेके जा रहा है। आई एम हिमांशु और मैं भारे लेके जा रहा हूँ उधर। इधर देख कैमरा बंद करते। सॉरी गाइस, फिलहाल व्लॉग निकालना हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैमरामैन भी हम ही हैं और काम करने वाले भी हम ही हैं। सो अभी बस काम करना है और वीडियोस बाद में निकालेंगे। ये है मिस्टर शशांक टिकाम। ओके चलो। सो ये मेरे फ्रेंड का खेत है। वैसे ज़मीन गीली होने की वजह से जो भी धान काटा है वो गीला ही है, वो सूखा नहीं है। तो उन्हें सुखाना है, इसलिए पहले सुखाने के लिए यहाँ पे रख रहे हैं। सो धूप में जब सूख जाएंगे, ये ज़मीन सूखी है, वहाँ नीचे खेत में गीली है, और ये धान को फैलाया जाएगा जैसे कि यहाँ पे आगे में फैलाया गया है कुछ उस तरह ही। सो चलो आपको दिखाता हूँ किस तरह ये लेके गाँव का फार्मलैंड है। यहाँ पे धान लगा हुआ है एंड यहाँ पे जिस तरह आप धान देख रहे हो ना, कुछ इस तरह ही धान को सुखाया जाएगा पहले। ठीक है चलो, अभी फ़िलहाल हमारा काम करने का वक्त है तो हम काम कर लेते हैं और बाद में वीडियो निकालेंगे। ये देखो ज़मीन के लिए, चलो बाय। सो फाइनली हमारा आज का काम हो चुका है, हमको जितना बताए थे करने के लिए उतना। और अभी हम लोगों को जाना है उधर के खेत में। अभी भी काम चल ही रहा है, अभी भी धान काटने का। हाँ चलो फिर आज का इतना ही। तरह इसकी हालत देख लो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है छुट्टियों में आप लोग भी आया करो खेत में काम करने के लिए, अपने नहीं बट अगर आपका फार्म होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होगा तो चले जाया करो, यू विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू। सो आज के लिए इतना बस है और हम चलते हैं। हमारी न्यू एक्टिवा तो ये मेरा भाई एक्टिवा दिखाना चाहता है। हमारी न्यू एक्टिवा 87 किलोमीटर चली। हाँ ठीक है चलो बाय, रखते हैं। See you guys. Chalo.